फॉर्म इन इंडस्ट्री, यानी कि हम बात कर रहे हैं दीपू की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जहाँ पर 6 साल बाद माता और पिता बन चुके हैं। अपनी बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी को इन्होंने 1 जनवरी को शेयर किया था कि सितंबर में हम अपने बेबी को इस दुनिया में ले आएंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और फाइनली तौर पर यह वक्त आ गया खैर वाफियत से, बिल्कुल ठीक तरीके से, जहाँ पर उनकी नन्नी परी यानी कि उनकी बिटिया रानी इस घर में आ चुकी है। वहीं पर बहुत सारी क्लोज सोर्सेज से बात सामने आ रही है कि बाकी ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट की तरह शुरू में बिल्कुल ये अपने घर रहेंगी, या ज्यादातर अगर ये बात की जाए ऐश्वर्या राय ने जिस तरीके से एक्टिंग को छोड़ दिया और बिल्कुल अपना काम को खत्म करके अपना सारा टाइम राधा बच्चन को दिया, उनके लिए कोई नैनी नहीं रखी, कोई नर्स नहीं रखी। अब यहाँ पर भी इस बात सामने आ रही है कि दीपिका पादुकोण ने भी अब काफी अरसे के लिए ब्रेक लेंगी और अपना सारे का सारा टाइम अपनी बिटिया रानी को देंगी, और ये कोई भी नर्स कोई भी नैनी अपनी बिटिया रानी के लिए नहीं रखेंगी, बल्कि सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ दोनों उनके देंगे। जबकि रणवीर सिंह तो बाहर काम जरूर करेंगे, लेकिन दीपिका पादुकोण ने कुछ अरसा 1 से 2 साल सिर्फ और सिर्फ अपनी बिटिया रानी को देंगी। ये बहुत क्लोज सोर्सेज से पता चला है। ऐश्वर्या राय की लाइन पर चलते हुए दीपू भी उसी तरीके से बिटिया रानी को पालेंगी। हेलो व्यूअर्स, आपकी क्या इसमें इच्छा है? आपको क्या चाहिए कि वाकई बाकी तमाम सेलिब्रिटीज की तरह जैसे कि आलिया भट्ट ने किया उनके लिए नैनीज रखी हुई हैं, जैसे कि करीना कपूर करती हैं अपने बेबीज के लिए, या फिर इनको भी ऐश्वर्या राय की तरह ही सारा सारा टाइम अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी बिटिया रानी को दे देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, इट्स हर पर्सनल चॉइस, वो अपने बच्चों के लिए क्या सोचती हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।